इधर क्वाई बट हमें कंप्लीट प्लेस में जाएगा मैट्रिसेस का। ओके, तो ये वीडियो नंबर 61 है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, दैट इज राइट डाउन द क्वाड्रेटिक फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग मैट्रिसेस। ओके, बेसिकली 57 नंबर वीडियो से हम क्या स्टार्ट किए हैं बताओ, तो कैनोनिकल फॉर्म स्टार्ट किए हैं। ओके, तो ये सब को हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या है, हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। तो इसके जो पहले प्रॉब्लम जो था उसमें हम क्या किए थे, क्वाड्रेटिक फॉर्म से हम मैट्रिक्स नोटेशन में यहाँ पे अपन इसको कन्वर्ट किए थे। अब यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स नोटेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, बेसिकली आपको कुछ मैट्रिसेस दिया हुआ है, यहाँ बोला गया कि आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म इसको चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बाय 3 मैट्रिक्स दिख रहा है और यहाँ पे देखो अपने पास क्या है, 4 बाय 4 मैट्रिक्स है। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज को लाइक कर, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो यहाँ पे अपन पहले वाले प्रॉब्लम को, पहले वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे करना क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखने बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने नहीं बोला, आपको ध्यान रखिएगा। आपको क्या बोला बताओ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखने बोला है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर लिखना है तो हम क्यू इक्वल्स टू सम एक्सप्रेशन को अपन यहाँ पे लिखेंगे। बट अगर आपको बोला होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं इक्वल्स टू उसको जीरो से उसको अपन इक्वेट करते हैं। बट यहाँ पे उसको आप जीरो से इक्वेट मत करिएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या मानेंगे, वेरिएबल अपने मान लो क्या है, x1 x2 x3 है, या फिर आप चाहो तो एक्स वाई जेड भी लेके मान सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x1 x2 x3 लेके मानूंगा। तो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट में दिया हुआ ना उसको पहले अपन लिख देंगे, दैट इज ओके। यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये अपने इसका कोफिशियंट मान जाएगा, दैट इज 2x1 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, माइनस लिखा तो -3 लिख दो यहाँ पे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे -4 लिखा, दैट इज -4x3 का। ओके, x3 का स्क्वायर। ओके, इसको अपन ऐसे लिख दिए। ओके, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर एंड x3 का स्क्वायर लिख दिए। ओके, अपन डायगोनल एलिमेंट लिख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे, ओके, इसको से जोड़ो कितना होगा, +2 होगा। ठीक है, +2 हो गया। अब ये बता क्या है, फर्स्ट x1 का रो हो गया मान लो, अपने ये क्या है, x2 का रो हो गया। ठीक है, ये अपना x1 का रो, अपने ये क्या है, x2 का रो। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, ये x1 x2। ओके, इसको x1 का रो मान लो, इसको x2 का रो मान लो, और इसको अपन x3 का रो मान लेंगे। तो ये अपना क्या होगा, ये x1 के रो को बिलोंग करता है 1, और ये अपना क्या है, x2 रो को बिलोंग करता है 1। तो यहाँ पे 1 + 1 अपना 2 हो गया, और यहाँ पे क्या लिखे बताइए, x1 x2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, 5 + 5 अपना कितना, 10 हो गया। ओके, +10 हो गया। अब ये क्या है, x1 रो को बिलोंग करता है, और ये अपना क्या, x3 रो को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे x1 x3 लिखेंगे। ओके, यस। अब आ जाओ लास्ट में, ये अपना क्या है, 4 है, तो यहाँ पे लिख लिया +4। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये अपना x2 रो को बिलोंग करता है रो, और ये अपना क्या है, x3 रो को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, x2 एंड x3। तो ये अपना क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब अगर मान लो, अगर हमको बोला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने बोला, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 से इसको फिर अपन इक्वेट कर देते। बट यहाँ पे क्या बोला, क्वाड्रेटिक फॉर्म बोला है, तो इसको अपन एक्सप्रेशन लिख के अपन छोड़ देंगे। ओके, यहाँ पे इक्वल टू 0 बिल्कुल मत दीजिएगा। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड वाले लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या मानेंगे अपन लोग, देखो यहाँ पे 4 4 मैट्रिक्स दिया हुआ है, इट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, x1 x2 x3 एंड x4 लेंगे। ओके, ठीक है, वेरिएबल्स को लेंगे। तो यहाँ पर देखो जो डायगोनल एलिमेंट्स लिखा हुआ है पहले उसको अपन लिख लेंगे, दैट इज यहाँ पे क्या लिखा था, 3 x1 का स्क्वायर। ओके, फिर देखो यहाँ क्या लिखा है, 0 लिखा हुआ है, तो 0 x2 का स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, दैट इज 2 x3 का स्क्वायर। फिर देखो यहाँ 4 लिखा, दैट इज 4 x4 का स्क्वायर। लिख दिया यहाँ तक का। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, दिस इज 1। ओके, 1 + 1 कितना, 2 हुआ कि नहीं, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो ये अपना x1 रो को है, रो का है, और ये अपना क्या, x2 रो का है। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 लिखेंगे। ओके, फिर देखो आगे क्या होगा, यस, इसको इसको देखो, 2 + 2 दैट इज 4 हुआ कि नहीं, तो 4 तो लिख दिए, दैट इज ओके, 4 लिख लिया यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये x1 रो का है, ये अपना क्या है, x3 रो का है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 x3, लिख दिया यहाँ तक का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, यस, है ना, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, ये अपने क्या x1 रो का है, अपने क्या x4 रो का है, दोनों जोड़ो, दैट इज 6। तो 6 x1, ये अपने क्या होगा, x4 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया है, अब यहाँ पे आते हैं। ओके, ये अपने क्या होगा, 4 + 4 दैट इज 8। तो 8 यहाँ पे हो गया, ये x2 का हो गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा +8 को यहाँ लिख देता हूँ फिर से अच्छे से। ये अपने सेकेंड रो का हो गया, x2 रो का, ये अपना क्या है, x4 रो का, दैट इज x2 x4। ओके, तो यहाँ पे देखो इसको भी लिख लेते हैं, दैट इज +10, ये क्या x3 रो का है, और ये अपना क्या x4 रो का है, x3 यहाँ पे क्या हो गया, x4 हो गया। हो गया यहाँ तक का, यस। देखो अब बताओ कौन सा बचा हुआ है, ये 2 बचा हुआ है कि नहीं, ये 2 बचा हुआ, क्योंकि ये हो गया, ये सब हो चुका है,
ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, तो बच्चा कौन सा, ये वाला बच्चा होगा, दैट इज दोनों जोड़ो कितना हुआ, ये 6 हो जाएगा 6, और ये अपने क्या एक्स टू एक्स थ्री का है, एक्स टू एक्स थ्री। ओके, तो इस तरफ देखो आपके पास, देखो कितने यहाँ पे टर्म्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो सिंस हमारे पास यहाँ पे 4x4 मैट्रिक्स दिया हुआ, तो यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे, 10 टर्म्स होंगे, और यहाँ पे अपने पास क्या था, 3x3 मैट्रिक्स का था, तो यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे, 6 टर्म्स होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप क्या करिए, ये वाला पार्ट देखो 0 है कि नहीं, इसको अपन हटा देंगे, तो ये अपना क्या होगा, 3x1 का स्क्वायर प्लस इसको लिखिए 2x3 का स्क्वायर प्लस 4x4 का स्क्वायर प्लस 2x1x2 प्लस 4x1x3 इसको लिखिए प्लस 6x1x4 इसको लिखिए प्लस 8x2x4 इसको लिखिए प्लस 10x3x4 इसको लिखिए, दैट इज प्लस 6x2x3। ओके, तो ये अपन क्या कहलाएगा बताओ, फाइनल आंसर कहलाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।